चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टूल्स ऑफ प्रेसी एंड डॉग्स ऑफ प्रेसी। हमें दोनों के ऊपर डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद विदाउट टाइम वेस्ट किए हमें अगले काम पर बढ़ना है। एंड दैट इज एक्चुअली वन मोर थिंग, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें जरा ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। वजह यह है कि हमें जब तक पता नहीं होगा बेसिक्स का, जब तक पता नहीं होगा कि व्हाट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, हम अच्छे तरीके से प्रेसी नहीं कर पाए। तो इसलिए डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ प्रेसी के बाद नाउ वी नीड टू नो अबाउट रूल्स या मेथड्स ऑफ प्रेसी, कि प्रेसी करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। तो आइए क्या करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, केयरफुली आपने रीड करना है, बहुत अच्छे अंदाज से रीड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी आउटलाइंस निकालनी है, मतलब क्या कि आपने वो देखना है जो चीज इंपॉर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट चीज को लिखा जाए। अब आपकी अगर बात की जाती है तो आपके जो सिस्टम है उसके अंदर, अब ऐसा नहीं है कि आपको अलग पेज मिले तो जिसके ऊपर आप आउटलाइंस बनाए, तो आपने करना क्या होगा कि उसके अंदर जो आपको पैसेज दिया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लग रही है बात, आपने सिर्फ क्या करना है, नीचे जो दिया हुआ बॉक्स होगा ना उस बॉक्स के अंदर, जैसे देखिए ऊपर प्रेसिस का सारा पैसेज लिखा हुआ है और नीचे आपको बॉक्स एक सेपरेट मिला होगा, तो जो जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है फर्स्ट लाइन में, जो चीज इंपॉर्टेंट आपको लगी, तो आपने सिर्फ क्या करना है पॉइंट उसका लिख देना, लाइन में लिखी, क्या लिखना है पॉइंट, इसे कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन वैसे तो पूरे सेंटेंस की शक्ल में होती है लेकिन यू डोंट हैव मच टाइम, तो आपने क्या करना है पॉइंट लिखना। इसी तरह दूसरा जो आ गया पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट, तीसरी लाइन में अगर कोई लगती है बात तो पॉइंट लिखे उसका, ठीक है। इसी तरह सारे पैसेज के अंदर आपने फर्ज करें कि पहले तीन ये सेक्शन आपके भर गए और आपने इधर पॉइंट्स लिखे। जब पॉइंट्स आप लिख चुके हो तो पॉइंट्स लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, यानी जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट होगा ना उस थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपने यहां पे लाजमी लिखना, ठीक है। जब लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब है वो आपने पैसेज पढ़ लिया, दोबारा पैसेज की तरफ नहीं आपने जाना, अब आपने उन आउटलाइंस की तरफ देखना है। जब आप उन आउटलाइंस को देखेंगे तो उनमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे उनको हटा देंगे, मिटा देंगे, ये तीन से कम होके समझे दो लाइनें रहेंगी आपके पास, ये वाली लाइन खत्म होगी, ठीक है। अब आपके पास दो लाइनें बची, तो जो दो लाइनें आपके पास बची होंगी आपने अब उनको माइंड में रखते हुए अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करना है एक 100 वर्ड्स का प्रेसिंग पैराग्राफ। और याद रखें जो प्रेसी राइटिंग है इट शुड बी इन वन पैराग्राफ फॉर्म में, ये बात याद रखें। अगर किसी ने दूसरा पैराग्राफ बनाया कर टेस्ट में ये याद रखिएगा मैं उसका सारा प्रेसी जो है वो गलत कर दूंगा, मैं उसके 10 मार्क्स खत्म कर दूंगा, ये बात याद रखिए। पैराग्राफ जो प्रेसी राइटिंग है इट शुड बी इन वन पैराग्राफ ओनली, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ नहीं बनाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये बात याद रखिए। जब आपने आउटलाइंस लिखनी है तो आउटलाइंस लिखने के बाद आपने उन आउटलाइंस को मिटाना नहीं है, आपने प्रेसी स्टार्ट कर दी, प्रेसी लिखना स्टार्ट कर दी। फर्ज करें कि ऊपर वाली आउटलाइंस की पॉइंट्स आप लिख चुके, और याद रखें तरतीब को नहीं भूलना, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, ये सिक्स है, सिक्स पॉइंट्स मुझे मिले हैं तो मैं क्या करूं पहले फाइव वाले पॉइंट की बात करूं और फिर फर्स्ट वाले की या थर्ड वाले की बात करूं, नो, मुझे इन ऑर्डर चलना है, इन ऑर्डर जो बात है इन ऑर्डर चलना है, वन के बाद टू को, टू के बाद थ्री को, थ्री के बाद फोर, फाइव एंड सिक्स, इस तरह मुझे एक यूनिफॉर्म वे में पैराग्राफ को लेके चलना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो जब आप फर्ज कीजिए कि पहले तीन पॉइंट्स लिखे गए तो आप ऊपर से इन तीन पॉइंट्स को रेज कर लेंगे। इसी तरह जब आप पूरा पैसेज लिख चुके हो तो फिर आपने बाकी वाले तीन पॉइंट्स भी अरेज कर देने और देखना है कि कितने वर्ड्स बने, फर्ज कर ले कि 120 वर्ड्स बने। अब आपने वो जो पैराग्राफ बनाया हुआ है उसको प्रूफ रीड भी तो करना है, तो प्रूफ रीड बहुत ध्यान से करें और कोई 20 वर्ड्स उसमें से माइनस कर लें। कैसे करना है ये आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी, और मैं फिर बता रहा हूं कि दिस इज चैलेंजिंग, ये आसान नहीं होगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी आप इस सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम में आएंगे, इस ये सेक्शन आपको प्रॉब्लम में लेकर आएगा अच्छा खासा, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि बार बार चीज को देखें. अच्छा हो सकता है कि आप आउटलाइंस के जरिए से आपको हो सकता है कि पैसेज की कोई बात ना याद आए, उसका ये मतलब नहीं आप पैसेज नहीं दे सकते, आप पैसेज देखें और देखें कि ये बात क्या थी. लेकिन पॉइंट्स बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितने वर्ड्स बने हों फिर आपने बाकी वर्ड्स को खत्म कर देना है. 100 वर्ड से 101 नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए. जब कहा है उन्होंने कि 100 वर्ड्स तो आपके 100 वर्ड्स, जब आप 101 करेंगे तो वो सारे का सारा सेक्शन रेड हो जाएगा. जब रेड होगा तो उसका मतलब है दैट इज रेड पे तो क्या करना होता है, रुकना होता है, रुकना होता है. और अगर वो लाइन जो लगी हुई होती है 100 के ऊपर, अगर आप उससे एक लाइन क्रॉस करते हो तो रेड हो जाता है, तो अगर ट्रैफिक मॉडल देख रहा होगा तो आपका क्या करेगा, चलान करेगा. और इधर चलान क्या होगा, 10 मार्क्स फाइन. ठीक है, तो इसलिए चलान नहीं करवाना, ये बात याद रखिए आप. और आज का तो तभी 2000 है, ठीक है, वन में आए लाइन जो है उसकी उसको फॉलो ना करें, 2000 उसका चलान. तो इधर तो 10 में मार्क्स का जाने का मतलब क्या है कि आपके पेपर का 10% हिस्सा तो ऐसे निकल गया. तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. पॉइंट्स निकालने हैं आउटलाइंस. अच्छा अब मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ये बात समझ आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो मैंने देसी तरीके से बता दिया, आइए अब जरा थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे अंदाज से इसको लेके चलते हैं. अच्छा जो आउटलाइंस आपने बनाई, अब बैठ के आपने क्या करना है, आउटलाइन को समझना है. आउटलाइंस को क्या करना है, समझना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा. आपने समझने के बाद अगला काम क्या करना है कि आपने अंडरलाइन कर लेना है. अच्छा अंडरलाइन करने से क्या मुराद है, ये तो तब होगा ना कि जब आपके पास अंडरलाइन करने की फैसिलिटी है, अब नहीं है, इसलिए मैं अंडरलाइन वाली बात यहां पे हजफ कर रहा हूं, ये आपके पेपर के लिए ये नहीं है. लेकिन चूंकि जब आप प्रोफेशनली जा रहे होंगे, आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर होंगे, तो आपको उस पर प्रेजेंटेशन देने को कहा जाएगा किसी बात के ऊपर कि ये पूरे हमारे पास एक आई है, फाइल आई है, और या कोई हमारे पास कस्टमर की कंप्लेन आई है, या वट एवर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमारे सामने प्रेजेंटेशन देनी है. तो व्हाट इज वेयर इन दिस, अब आप सारी फाइल तो नहीं पढ़ेंगे दूसरों के सामने, प्रेजेंटेशन दे दो, खुद पढ़ेंगे और उनमें से क्या चीजें निकालेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट मैंने इसको बहुत आसान से बताया, ये आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ज्यादा जल्दी आप इसे कर लेंगे तब जब आप इंटरेस्ट लेके देखें यार कोई ड्रामा, ड्रामे का पैराग्राफ है या कोई ऐसी चीज है जो कि जानना है मुझे कि आखिर क्या है. जब आप इंटरेस्ट के साथ उसे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इस सेक्शन को करना. लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो बड़ा मसला होगा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी. इसलिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके, कि आप इंटरेस्ट को डिवेलप करें और बार बार करें. क्लियर? तो इंटरेस्ट डिवेलप कैसे होगा, जब कोई पैराग्राफ सामने है तो आपने किस नियत से उस पैराग्राफ को पढ़ना है कि ये मुझे आज कुछ सीखने को मिलेगा और ये मैंने अपने टीचर के सामने इसको रिप्रेजेंट करना है. तो जब आप इस अंदाज से उसे पढ़ेंगे, अच्छा जब समझाने के अंदाज से किसी चीज को पढ़ा जाता है ना तो वो चीज ज्यादा जहन में बैठती है. यदि मिसाल के तौर पर एक है मैंने अपने स्टडी के तौर पर पढ़ना है और एक बार इसलिए पढ़ना है कि कल मैंने बच्चों को पढ़ाना है, वो चीज जल्दी याद हो. क्यों? क्योंकि आप खिदमत का जज्बा आ जाता है, थोड़ा सर्व करने का जज्बा आ जाता है. तो जब सर्व करना आता है तो उसमें ज्यादा चीजें अल्लाह ताला आपके माइंड में डालते हैं और ज्यादा जल्दी आप समझना शुरू करते हैं. अपना एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपने समझाने के अंदाज से उसको पढ़ना. तो जब आप उसको पढ़ चुके हो, आउटलाइंस बना चुके हो, तो अपने आप को समझाओ, यानी कि हाँ जरूर अपना को अपने आप को समझाएं कि व्हाट इज इट. ऐसे आंखें बंद कर लो, कोई टीचर नहीं आपके पास आएगा, क्या कोई रोबो तो नहीं पीछे बैठा हुआ, कोई रोबो फिल्म देखी थी जिसमें वो उसको बता रहा होता है रोबो, सनत नाम है उस लड़की का, किसी ने देखी है तो फिल्म देखी है ना भैया आपने, तो रोबो थी होता तो प्रिंसिपल आता हुआ कहता कि हाँ क्या हो रहा है, कहते मैं सना को पेपर करा रहा है ना, ताकि तो कोई सना नहीं है, खैर मतलब कोई सोना नहीं है. तो बात क्या था कि मैं जो कहना चाह रहा था, खैर जज्बात वापिस रखे, मतलब ये था मेरा कि जनाब आप सोच सकते हैं, आपको कोई आगे ये नहीं कहेगा कि यार ये क्या कर रहे हो. ठीक है, तो अगर कोई आगे कहे भी तो आप फौरन उसे कह सकते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब. ठीक है, आप उसे शट अप कॉल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे टीचर थोड़ी होगा. ठीक है, और जो आगे कह रहा है तो वो एथिक्स के खिलाफ है कि आपके पेपर का पहले लिमिटेड टाइम है,
और आपके आपको तंग कर रहा है, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम टू, ठीक है। तो आप चुप करके काम खुद अपने आप को समझाएं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो जब आप अच्छे अंदाज से इसको समझा पाएंगे ना अपने आप को एक टीचर बन के, तो फिर ये पैराग्राफ करना बड़ा आसान हो जाए, प्रेसिंग करना बहुत आसान हो जाए। ये टिप बस अपने माइंड में रखनी है, अगर ये याद रहेगी ना तो आप बड़े अच्छे अंदाज से इस 10 में से इसमें आ जाते हैं मार्क्स 8.5 तक आ जाते होते हैं, 9 भी आ जाते हैं अगर बहुत अच्छा लिखा हो तो। आप मार्क्स बड़े आराम से यानी 7 तो सिक्योर मिनिमम करेंगे इसमें। इसलिए इस ये कभी नहीं सोचना गया 10 नंबर ही है कोई बात नहीं, यहाँ पे एवरी मार्क काउंट्स है। ये बात याद रखें कि हर जो आपका जो मार्क होगा वो काउंट करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज को अच्छे से समझ के किया जाए, छोड़ने की गुंजाइश नहीं है कहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे हमने क्या करना है, ओमिशंस। ओमिशंस क्या है कि जनाब जो वर्ड्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दे, तो आपको पहले पॉइंट्स बनाने होंगे। तो जो पॉइंट्स बनाए तो पॉइंट्स को आपने देखना है, तो ओमिशन का सेक्शन भी ऑटोमेटिकली आपके आउटलाइंस के अंदर हो जाएगा। ओमिशन क्या होता है कि खत्म कर दें वो अल्फाज जिनकी जरूरत नहीं है, और ये उस सूरत में होता है जब आपको कट करने की गुंजाइश होती है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आपने आउटलाइंस बस बनानी है अपने पास, और 100 वर्ड्स हैं ये तो इतना मसला भी नहीं होगा। अच्छा, अब क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने कभी भी आउटलाइन में शामिल नहीं करना होगा, जो पॉइंट्स बनाने हैं। एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन कभी भी आपने उसके आउटलाइन नहीं बनाने। जैसे मैं कहता हूं जी माई नेम इज रिहान, अ क्लास फेलो, अ टीचर, अ स्टूडेंट एज वेल, करंटली डूइंग दिस दिस एंड दैट दैट दैट, ये एक्सप्लेनेशन एक चीज के बारे में, ठीक है। तो आपने एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं करना, ठीक है। आप सिंपल सा बात कर सकते हैं रिहान अ टीचर एंड मल्टीटास्कर, कितनी बड़ी बात को आपने छोटा सा कर दिया। तो जो बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है आपने उसको खत्म करना है, मिनिमम से मिनिमम करना है। एग्जाम्पल कोई दी गई है जैसे ही इज अ फ्रॉड फॉर एग्जाम्पल वंस, अब जो फोर एग्जाम्पल आ गया अब वो पूरी लाइन में से कुछ नहीं आपने उड़ने निकाल, क्योंकि फोर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल नहीं डालने। आगे बात रूल्स एंड मेथड्स को आगे फॉलो, लेंथ कितनी होनी चाहिए बताइए जी, कितने 100 words की टोटल लेंथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, सिंपल सी बात, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है जहां पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होती, सिंपल सी बात। इन्वर्टेड कॉमास यानी डायरेक्ट किसी की बात हूबहू रिपीट करना, दिस इज नॉट अलाउड, आप ये काम नहीं करना। दूसरा, आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना आप, आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, कभी आपने उसके अंदर अपनी ओपिनियन नहीं देनी, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी बात नहीं, जो लिखा है उसी के ऊपर बात करनी है। फिर आगे जो बनते हैं और क्या पैराग्राफ फॉर्म, कितने पैराग्राफ बनाने हैं, बड़ो बेहतर चोरी अल्लाह के नाम जुमरा क्या एक पैराग्राफ बना, ओनली वन पैराग्राफ फॉर्म, क्या वन पैराग्राफ फॉर्म, एंड नहीं वन पैराग्राफ फॉर्म, यस इस तरह, ठीक है। तो वन पैराग्राफ फॉर्म, पैराग्राफ हमेशा एक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, पर्सन, हाँ ये बात मजेदार है, ये जिसने लास्ट एक्चुअली योगा से पता होगा, ओ चोरी एंड डाले, हाँ जी किसको सोच रहे हो, ओ मैं मतलब क्या सोच रहे हो, हैं तो क्या देख रहे हो, किसी और सब्जेक्ट को देख रहे हो, हैं नहीं, अच्छा मेरा सब्जेक्ट ही है, अच्छा मुझे बताओ कौन सा पर्सन यूज करते हैं प्रेसिंग, सेकंड पर्सन यूज कर सकता हूँ, सेकंड यूज कर सकता हूँ, सिर्फ थर्ड यूज करना है, थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है, ही शी और दे, शाबाश, ही शी और दे, आप थर्ड पर्सन हमेशा इसमें यूज करेंगे, इसका बात भी आपने याद रखनी है, दिस इज रूल। अच्छा, मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, आप बात कुछ लिखी है बात कुछ और कर दे, नहीं दिस इज रॉन्ग, जो पैसेज में लिखा हुआ है आपने वही बताना है, जो पैसेज में लिखा है आपने वही बताना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करें, अगर कोई वर्ड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स का आपको और मतलब जो है वो मुश्किल सा पता लग रहा है, आपको हार्ड ट्रेंडिंग यानी कोई भी एक वर्ड ऐसा लग रहा है जो हार्ड ट्रेंडिंग का मतलब होता है सैड यानी परेशान को, ठीक है, दुखा देने वाली,
तो आप हर ट्रेंडिंग की जगह पर सैड लिखें, कोई मुश्किल वर्ड आपको नहीं यूज नहीं करना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का आप यूज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज, ओनली सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स का यूज होना बहुत जरूरी है। अगली बात जनाब, जब आप लिख चुके हो तो फिर आपने दोबारा पढ़ना लाजमी, पढ़ना दोबारा लाजमी है, ये फर्ज है। अच्छा याद रखें कि जो री रीडिंग है ना, दोबारा पढ़ना, ये उतना ये लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए लिखना, दोबारा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। री रीड का मतलब यही होता है कि दोबारा उसे पढ़ा जाए, और री राइट का मतलब ये होता है कि जो दोबारा पढ़ के जो गलती है उसको ठीक किया जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको दोबारा पढ़ना, देखना कितने वर्ड्स हैं वो कम कीजिए, और दूसरा उसको अच्छे अंदाज से पढ़िए। और जब आप पेपर कर चुके हों तो पेपर करने के बाद मिनिमम आपके पास 10 मिनट्स का स्पेयर टाइम होना चाहिए, तो उसमें भी आपने दोबारा पढ़ना है। सबसे अच्छा रूल ये होता है प्रूफ रीडिंग का कि आप जब एक चीज लिख चुके हो तो उस वक्त प्रूफ रीड ना करें, जब आप लिख चुके हो तो फिर एंड पे जाके करें दोबारा शुरू से। थोड़ा सा वक्फा जब आता है ना, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो फिर आप उस चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो उस चीज के अंदर आने वाली गलतियां सामने आती हैं आपको। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं जनाब, आपने दोबारा उसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रेसी जो कि बनी है ऑलरेडी, मेकअप प्रेसी क्या है कि अगर 120 वर्ड्स हैं कम करें तो अब वो क्या होगी, कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव प्रेसी हो जाएगी। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि आप कॉम्प्रीहेंसिव प्रेसी इसमें बना, मैं कहूंगा मेक इट कॉम्प्रीहेंसिव, मेक के बाद इट और साथ को मेक इट कॉम्प्रीहेंसिव प्रेसी, इसे आप एक जामे प्रोडक्ट प्रेसी बना दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। क्लियर ये बात? अच्छा ये जो बातें आपको पता चली है, मैंने आउटलाइंस बनाई है आपके लिए, छोटा सा टास्क होगा ये, जान पूछ के मैं आपके लिए टास्क इसलिए लेके आ रहा हूं कि आप इसको समझ पाओ। ये जितनी बातें यहां पर लिखी हुई है ना, इनको आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, जितनी बातें आपने इनको क्या करना है 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और आप लोग मुझे सब मुझे इनबॉक्स कीजिएगा अपने नाम के साथ, और मैं उसको चेक करूंगा कि आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखा और कैसा लिखा, और ये भी बताइएगा कितने मिनट में लिखा वहां पे, और फिर बता रहा हूं टाइप करके पेज के ऊपर टाइप करके आपने मुझे शेयर करना है, और कितने वर्ड्स के अंदर होना चाहिए 100 वर्ड्स, ठीक है? पता चले ना कितना आपको प्रेसी है, समझिए मैंने पूरा एक प्रेसी था जैसे देखिए आया है। ये आप देखिएगा ये जो रूल्स एंड मेथड्स हैं मैंने क्या किया और इनको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ सारे के साथ रूल्स एंड प्रेसी वर्ड, ये पीछे आने दोबारा, हाँ ये सारे के सारे मैंने क्या किया उनमें से पॉइंट्स बनाए, ठीक है? तो आपने इस सब को क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स को मिला कितने वर्ड्स में करना है 100 वर्ड्स में, और देखेंगे कैसे करते हैं आप, वो चेक करते हैं। लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कि एक जो अच्छी प्रेसी होती है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती है, क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। जो अच्छी प्रेसी होती है वो हमेशा कंसाइज होती है, मुख्तसर होती है, क्या होती है मुख्तसर। अंदर वाला सेक्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप लोग पढ़ोगे, आप लोग उसको लिखो, मैं समझाऊंगा आपको। कंसाइजनेस बहुत जरूरी है, अब से कम अज कम जब तक आपके पेपर नहीं होते मिनिमम तब तक एक काम तो लाजमी करें कि जो भी लिखी हुई चीज आपको नजर आती है ना, आप कोशिश करें उसको शॉर्ट करें, इसको मैं शॉर्ट ही कैसे दूसरे के सामने डिलीवर कर सकता, ये बहुत जरूरी। अगर आप ये चीज सीखते जाएंगे तो प्रेसी बहुत ही आसान हो जाएगी, मसला नहीं रहेगा आपके। टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो कितनी बड़ी बातें बताता है, आप उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखने की आदत डालें होनी चाहिए, किसी के अंदर नहीं है तो वो भी से डालना शुरू कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक इसे कहते हैं मिनट्स, कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के कुछ मिनट्स होते हैं, मिनट का क्या मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हुई है उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखा होता है कि भाई ये आउटलाइंस है आप इनको याद रखें। तो जब भी कोई टीचर आपको लेक्चर दे तो एक आदत अपनाया करो कि उसको पॉइंट्स की शक्ल में अपने पास महफूज कर लो। हमेशा मैं बात कहता हूं, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जो चीज कलम से गुजर जाती है वो दिमाग में बैठ जाती है, जो चीज कलम से गुजर जाती है वो दिमाग में बैठ जाती है, अमर हो जाती है। अगर आप लिखने की आदत नहीं अपनाओगे तो यू आर गॉन, आप कुछ नहीं, आप फारग होगी, ठीक है? जितना मर्जी आप समझा हाँ आ गया मुझे आ गया,
मुझे आ गया। बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें हमारी क्लास के अंदर, सेक्शन के अंदर, बैचेस के अंदर, कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा एफिशिएंट समझ के बैठे होते हैं। ब्राइट सुनो, मैं सुन रहा हूँ, मुझे आता है, तेरे भाई को आता है, कोई मसला नहीं, सारा कवर होगा, कोई मसला नहीं। फिर वो ये होता है उसके साथ, वो पेपर के पास आएगा, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पेपर जब सामने आता है ये क्या हो गया, फिर ये होता है। और यकीन करें अभी तक ये सेवंथ बैच है और सातों के सातों बैचेस को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया हुआ है, यानी सॉरी सिक्स बैच आपका है, सेवंथ अभी स्टार्ट हुआ दो तीन दिन पहले, तो दो दिन पहले, तो उसको भी अगर सबकी बात की जाए तो इन सब बैचेस में मेरे पास दो से तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास में मैंने पॉइंट आउट करके बोला, पॉइंट आउट करके बोला कि आप पास नहीं होंगे, आप लिख लेंगे पास, आपकी हरकतें ठीक नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते। यहां तक कि एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में मैंने बकायदा कह दिया, मैंने बकायदा कह दिया कि उसने पास नहीं होना, वो जानबूझ के मैंने किया सिर्फ इसलिए कि चलो हो सकता है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो पास हो जाए। मैं ऐसे करता हूँ जानबूझ के, यार चल किसी तरह से मेरे अंदर मेरे बारे में जितनी मर्जी नफरत कायम कर ले, लेकिन हो सकता है यार वो पास ही कर ले, वो अल्लाह जानता ना मैं किस नीयत में किया। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जानबूझ के थोड़ा सा हर्ट करता हूँ कि हो सकता है मेरे लिए वो नफरत पाल लें लेकिन पास तो हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों को नहीं आप चेंज कर सकते, क्योंकि वो खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अगर वो कहे कि हाँ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैंने वो क्या कि एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में कह दिया कि मैं आप सबको ना एक एक लेज और जो है ना बॉटल पिलाऊंगा अगर ये बच्ची पास कर गई, ये मैंने जानबूझ के कहा। और वो छुट्टी पे थी, छुट्टियां बहुत करती थी, तो मैंने ये बदाम उसको पहुंचा दिया कि सर ने ये कह दिया कि आप पास हो नहीं सकती, वो जनाब वो बाकी पास नहीं होते, ये सारी बात कह रही मतलब था कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर छोड़ा ना कि भाई ये करके दिखाया था मान जाओ, उन्हें कहा हाँ ठीक है मैं कुछ होते हैं ना ऐसे बाल, मामा भी कहती है कि तू है ही, मामा हाँ हूं ना ओके डन, ये कुछ हिसाब होता है कई बार होते हैं बचिया से, वो जो जो जिनको आदत दो कोई गल नहीं मामा से कर दी, हूं मां ने मिस्त्री करी कौन करेगी, रूम को पति को करा दिए थे मेरे को कर लेती, हिसाब बराबर करती रहती है, कोई बात कुछ नहीं होता, तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्राइट बॉय होना बहुत बड़ी नेमत है, उसको वेस्ट वो बंदा वो करता है जो कहता है कि हाँ मुझे सब आता है, और वो वही कर रहा होता है। मैं वही कहता हूँ कि जब लेक्चर ले रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं लिख नहीं रहे, ये आदत हम में से 90% स्टूडेंट्स के अंदर है, खाली 90% स्टूडेंट्स के अंदर ये आदत है। और यकीन करें इतनी बुरी आदत है ये आपको बिगाड़ के खाना खराब करके रख देती है, नहीं याद रख सकते आप चीजों को। अगर मेरे जो लेक्चर है वो 42 लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है 42 लेक्चर्स में आपसे बैठ के देखें समझे तो क्या आप सारे के सारे याद रख सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पॉइंट्स बनाए, उसको अपने कलम से गुजारें, जितना ज्यादा वो करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं वही कहता हूं कि ऑक्सीजन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी जितनी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर बैठकर ऑक्सीजन को कवर करें। तो ये आदत लास्ट में करें, हर सब्जेक्ट में किया करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खैर चलो आगे आते हैं, दूसरी बात है क्लियरनेस, यानी बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं वो बात क्लियर हो, वो बात क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्लियरनेस। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट जो लिखें करेक्ट हो, गलत कोई बात नहीं करें, यानी कोई रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बता रहे, जो लिखा है वही बताना है, और क्या बताना है करेक्ट और क्लियर बताना है। अगली बात यूनिटी कोहेरेंस, यानी जैसे मैंने आपको याद वो बताया था कि अगर 6 आउटलाइंस निकाली है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैंने पहले 5 की बात नहीं करनी, 1 के बाद 3 की बात नहीं करनी, 1 के बाद 4 की बात नहीं करनी, या डायरेक्ट 3 और 4 से शुरू नहीं करना, मैंने क्या करना है यूनिफॉर्म वे में जाना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अभी की बात याद है ना, तो क्या करना है आपने यूनिफॉर्म वे में चल जाना, कोहेरेंस होनी चाहिए हर एक की आपस में, वो कैसे होगी जब आप यूनिटी के साथ चल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और जनाब उसकी क्वालिटीज को मजीद आगे चलते हुए कंप्लीटनेस, जो लिखा सारे पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट बात और आपने छोड़ दी है, सारी बातों को कवर करना चाहिए, छोटा किसी को नहीं है। अगली बात फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी आप भी सोचे कि यार 7 पॉइंट्स है, कोई एक पॉइंट खत्म नहीं कर दो क्या होगा, टीचर को कौन सा पता चल, उसने तो एनएल लगाई होगी, उसने थोड़ी पता होगा, ये सोच नहीं, ऐसा नहीं, फेथफुल रहे।
आपने अपनी तरफ से 100% देना है, ऐसा नहीं करना कि जनाब आप जो है वो कुछ पॉइंट्स कम कर दें और ये सोचे कि टीचर को कौन सा पता चलेगा। ठीक है, पता चल जाता है, पढ़ा हुआ उन्होंने, ठीक है, यानी वो पढ़ के वहां पे आए। लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी, 100, सिंपल सी बात है जी। मिनिमम या 95, 96, 97 तक कर लो, मिनिमम वैसे 70 भी कर लो नंबर कट जाएंगे, वैसी बात, 60 कर लो नंबर कट जाएंगे, 60 करोगे मतलब दो या तीन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, बस नंबर तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आउटडेटेड वर्ड्स। अच्छा, पुराने जमाने में ना कहते थे दी, THEE, ये वर्ड यूज किया जाता था, दी। दी का मतलब क्या बोला, यू। ठीक है, तो आपने आउटडेटेड वर्ड्स यूज नहीं करना। कोई ऐसे होते हैं ना जिन्होंने वर्ड सुना होता है, वो कहते हैं हाँ यार ये वर्ड ज्यादा ठीक है, तो मैं यू की जगह पे दी यूज कर देता हूं। ठीक है, तो दाय लॉर्ड, ये भी है, दाय का मतलब है आपका, योर। आउटडेटेड वर्ड्स यूज है, अभी आउटडेटेड नहीं है, पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, तो पुराने नहीं यूज करना आपने, जो लेटेस्ट वर्ड्स है उनको यूज करना। यू को यू ही, योर को यू ही करें, दाय या दी ना करें। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारा ये वाला काम तो हो गया खत्म, अब हम बढ़ते हैं आगे, और इम्पोर्टेंट एक सेक्शन, जाहिर सी बात है, क्वालिटी ऑफ प्रेसी के अंदर एक और एक वन पैराग्राफ होना चाहिए, राइटर के अपने अल्फाज होने चाहिए, इंडेक्स स्पीच होनी चाहिए, मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए मैं बस ज्यादा जा रहा हूँ। पंक्चुएशन की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, पंक्चुएशन का एक मैंने पूरा लेक्चर बताता चलूँ, जो आपको डे वन से डे नाइन तक यूट्यूब पर सब अपलोड है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, मैंने पंक्चुएशन की पूरी एक सीरीज 4 लेक्चर्स की, वो मैंने वहां पे अपलोड लिंक्स वहां पे डाले हुए, कोशिश करके उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉमा की मिस्टेक करते हैं, कैपिटल लेटर की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की मिस्टेक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं जो हमारी तरफ से हो रही होती है। फुल स्टॉप कहाँ पे आना चाहिए, कॉमा कहाँ पे आना चाहिए, कॉलन कहाँ पे आना चाहिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पे आना चाहिए, ये चीजें आपने एक बार उसको लाजमी गो थ्रू कर देना, वो आपको काफी फायदा देगा, उस लिंक से आप देख लीजिए। अच्छा, तो जनाब अब हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक हमारे पास ये पैसेज आया जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो पैसेज है, दिस इज एक्चुअली अबाउट टू पर्संस, टू लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल। एक का नाम है जनाब हमारे पास मैराडोना, ठीक है, और दूसरा पेले, डियागो जिसे पेले का नाम भी बोलते हैं। ये दो फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़े नाम है, ठीक है, तो इनके बारे में यहां पे बात की गई कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चीजें लेकर आए। अब मैंने चूंकि इसके अंदर ड्रिल ऑलरेडी की हुई है और मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट करके और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम की कमी की वजह से, वैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि डिस्कस यहां पर क्या किया गया। यहां पर डिस्कस किया गया अबाउट दीज टू प्लेयर्स एंड देयर सर्विसेज फॉर देयर कंट्री and as well the services that they have given in the field as well when they were professional players. इनमें से आप जब बात करते हैं about one person, he did very good and he concluded his career and his life was concluded in a very fair way. But while we are going to talk about the other person, his life was a little bit harsh as well in the field and as well in the practical life as well. इन दोनों सेक्शंस के अंदर उसकी लाइफ का के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थे। तो इन सब को वैसे ये 385 वर्ड्स हैं, इनको मैंने शॉर्ट किया। पहले मैंने क्या किया कि एक ऐसी प्रेसी बनाई जो कि प्रेसी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया, इसको मैंने रफ प्रेसी का नाम दिया और मैंने इसके कितने वर्ड्स बनाए, 189 वर्ड्स। ठीक है, इन सारी चीजों को मैंने यहां पे किया। अब फिर मैंने इसको पढ़ा अच्छे अंदाज से और पढ़ने के बाद उसको मैंने फिर शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद फिर मैं इस सेक्शन को यहां पे ले आया और फेयर प्रेसी मैंने बनाई जो कि 100 वर्ड्स की थी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं बस इसको पढ़ लेता हूं आपके सामने, क्योंकि हम एक काम करते हैं कि जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे मैं उन पॉइंट्स के सेक्शन को यहां पे आपके सामने रखता हूं। इसे पढ़ते हैं, पहले मैराडोना प्लेयर्स ऑफ 20th सेंचुरी बाय फीफा। फीफा क्या है, ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है, आईसीसी है, इसी तरह पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का क्या है, PCB है, और इंडिया का क्या है, BCCI। ठीक है, इस तरह पहले मैराडोना प्लेयर्स ऑफ 20th सेंचुरी बाय
they were number tensions. So, इनके अंदर एक चीज मुश्तरक थी और वो क्या थी कि ये 10 सिर्फ एक चीज सिमिलर थी, इसके अलावा कोई नहीं थी दोनों में, और वो क्या थी कि दोनों 10 नंबर की शर्ट पहना करते, एक चीज इनके अंदर सिमिलर थी बस, यहां पे सिमिलरिटी एंगल थी। मैंने फिर क्या किया, देखें बड़ी, मैंने इसको शॉर्ट किया, उन्होंने बड़ी लाइन की थी, दे वोट नंबर 10 टी शर्ट सिमिलरिटी एंड्स, ठीक है, इसको और अच्छा आप कर सकते हैं, सिमिलरिटी एंड्स हेयर, ये भी बोल है, फिर यहां से आगे आपने एक वर्ड को फिर कम करना होगा, चूंकि 100 वर्ड चूंकि आगे मैंने करना है तो उसमें मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, अ प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स फॉर फन, ठीक है, एंड बिकेम मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इज क्वाइट अ टिपिकल टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, नजर आ रहा है सबको, आगे बढ़े। मैराडोना पॉसिबली द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर एवर, प्ले मेकर एंड गोल स्कोरर, टेक्निकली ब्रिलियंट, अनप्रेडिक्टेबल एंड इंपल्सिव, both on and off the field, a player plagued by a variety of problems for many years. वही मैंने आपको बताया कि एक person problems में गिरा रहा था। Comparing Pele and Maradona is like comparing apples and pears. ये pears क्या होते हैं? हैं? सही कह रही हूँ, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नाशपाती। अच्छा। Yet one thing is certain, they were both brilliant. Their nations have been rivals for the very beginning in their time. Pele and Maradona delighted millions of fans and gave them cherished memories. अब मैं इसमें से आपको basically बताऊं क्या-क्या चीजें मैं काट सकता हूं। मैं उसे अंदाज से जाता हूं। Pele and Maradona players of 20th century by FIFA. अब यहां पे मैं इसमें comma लगाऊंगा, wearing number 10 shirt. ये लिख दिया और आगे से मैंने इसको क्या किया, काट दिया। सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है मुझे कहने की, बस बात दोनों को पता लग गया कि क्या करते थे, 10 कलर की शर्ट पहनते थे। अच्छा, पेले अ प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स फॉर फन, ठीक है, पेले स्कोर्ड गोल्स फॉर फन एंड बिकेम मिनिस्टर, ये मैं प्लेयर खत्म कर दूंगा, ठीक है, बिकेम मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बात, मैं क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन ये भी खत्म कर दूंगा, जरूरत नहीं है, ठीक है, या Pele, a quiet person, scored goals for fun and became minister of sports. और इसको short किया जा सकता है, इस तरह से आगे आए। Maradona possibly the most complete player ever, playmaker and goal scorer, technically brilliant, unpredictable and impulsive both on and off the field. A player plagued by a variety of problems and many years. अब ये सारे का सारा section इतना बड़ा है, इसको short किया जा सकता है, इतनी बड़ी बात है, कैसे किया जाता है सुनिए जरा। Maradona A complete player ever was very brilliant, but in practical field faced many problems. बात करते हैं। तीन लाइनों को मैंने किसमें एक्सप्लेन कर दिया? एक लाइन। और क्या ये सारी बातें लिखी नहीं है? मैंने बता नहीं थी मैंने। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया, जो था इसकी जो रियल लाइफ थी, प्रोफेशनल लाइफ थी, उसके अंदर उसने क्या किया है कि जनाब वो एक बड़ा ब्रिलियंट पर्सन था और अच्छा गोल स्कोरर। बात खत्म कर दी। तीन लाइनों को मैंने एक लाइन में बता दी कि कैसे हुआ, ये हुआ प्रैक्टिस से होता। मैंने वही बताया कि कैसे ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप पॉइंट्स देख रहे हो, वट एवर कोई भी लेक्चर चल रहा है, आई टू बी चल रहा है, QM चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, जो कोई भी लेक्चर है आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, अगर ये आदत आपकी स्ट्रेंथन हो जाती है ना तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखिए, प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है। आगे आते हैं। कंपेयरिंग पेले एंड मैराडोना इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड पियर्स, कंपेयरिंग बोथ प्लेयर्स इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड पियर्स, ठीक है, इस तरह बोल रहे हैं कंपेयरिंग। अब दो तरह दो वर्ड में कंपेयरिंग आ गया तो ये जरा मुझे ठीक नहीं लग रहा, रेपिटिशन है, तो कंपेयरिंग दीज इज लाइक शोइंग रिजेम्बलेंस बिटवीन एप्पल एंड पियर्स। मैंने कंपेयरिंग की जगह क्या यूज कर दिया, रिजेम्बलेंस, आप सिमिलैरिटी यूज कर लें, आसान वर्ड, मैंने अब रिजेम्बलेंस मुझे नहीं आता, मैं क्या करूंगा सिमिलैरिटी, क्या लिख दूं सिमिलैरिटी, यानी सिंपल वर्ड्स, बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे वन थिंग इज सर्टेन, दे वर बोथ ब्रिलियंट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इसलिए ये लाइन जरूरत ही नहीं है मुझे कहने की।
क्योंकि दोनों के बारे में ये लिखा ऊपर बताया मैं, इसलिए जरूरत नहीं है इसको बताने की. Their nations have both rivals for the very beginning. अच्छा, their nations have been rivals. बस रही है बस इतनी बात. अगली लाइन में काट लूंगा. In their time, Pele and Maradona delighted millions of fans. अच्छा अब यहां पे their nations have been rivals. फिर फुलस्टॉप लगा के both, both ये दोनों में नाम खत्म हो गए. Delighted millions of fans, millions of fans. उसके बाद फुल स्टॉप और अगली लाइन काट दें. बात खत्म. डिलाइट किया इसका मतलब चैरिश भी किया ना, तो अगली बात इजाफी है, तो इजाफी बात लगाने की जरूरत ही नहीं है. चैरिश का मतलब क्या होता है? खुशी फराम करना, जोश फराम करना. तो डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुश करना. तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है इसे. इजाफी बातें उनको खत्म कर दें. आगे है. अच्छा अगला. पहले स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स फुटबॉलिंग लाइफ एट सैंटोस एफसी विद होम ही बॉर्न 10. अब ये देखिए विद होम ही वन, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है. तो मैंने क्या बताया था रूल्स एंड मेथड्स में कि एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी ही नहीं है. बात खत्म. तो ये वाली लाइन मेरे पास खत्म हो गई. लॉजिक. पेले स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिज फुटबॉलिंग लाइफ एट सैंटोस एफसी. बात खत्म. अच्छा अब उसके बाद ही वॉन वर्ल्ड कप 3 टाइम्स विद ब्राजील. ही स्कोर्ड फैंटास्टिक 1281 गोल्स इन 1363 ऑफिशियल मैचेस. अब ये वाली बातों को मैंने कम करना. ही वॉन वर्ल्ड कप कोई कर सकता है आपने? चलो ट्राई करते हैं, तो कोशिश करें. लाइन पढ़ें, लिखा हुआ है ही वॉन द वर्ल्ड कप 3 टाइम्स विद ब्राजील. फिर उसके बाद ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक 1281 गोल्स इन 363 ऑफिशियल मैचेस. शॉर्ट कैसे करेंगे? कोशिश करें. He won the World Cup with fantastic 1281 goals. He won World Cup 3 times and scored 1281 goals. ये ठीक है. और बताएं, और scored 1281 goals in 363 matches. इस तरह निकले काफी. ये आप अपने पास सेव कर लीजिए माइंड में कि अगर 98 वर्ड्स बन रहे हैं तो फिर ये दो ऐड कर सकते हैं आप. समझाइए ना, अगर ज्यादा मर रहे हैं तो ये तो पहले ही मैंने खत्म किया. समझाइए ना जी. और बताएं, और आपका जेन में चेक करना चाह रहा हूं क्रिएटिव कितना है. सिर्फ एक बार जी ने बताया अभी, और सोचे क्या हो सकता है. कोशिश तो करें. ही वॉन वर्ल्ड कप 3 टाइम्स विद ब्राजील. मैं आपके सामने एक और सजेशन, मैं इसके 3-4 बना सकता हूं आपके सामने. क्यों? प्रैक्टिस है ना. आप भी ऐसे हो सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे जी. दिस प्लेयर हु वॉन वर्ल्ड कप 3 टाइम्स एंड स्कोर्ड 1281 गोल्स एज वेल इन हिज करियर. ये पूरा कर दिया 1281 गोल्स इन हिज करियर एज वेल खत्म कर दिया इन हिज करियर. और बताएं, ये दो मैंने बता दी, कोई और बताए तो कद मारो क्या हो गया. कोशिश करो, कर सकते हो यार आप. और कुछ और कोई इसके अलावा कोई हो सकता है तो कहीं मार लो, गलत कर लो, लेकिन करो सही. सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं. किया मैंने गलती, गलतियों से घबराते नहीं. खाली स्कोर्ड ऑफ फैंटास्टिक दोबारा पूरी लाइन. इन द वर्ल्ड कप नहीं है, पूरे करियर में है. अब ये देखा ना, इसे कहते हैं अनफेथफुल प्रेजेंटेशन. इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, वो जो मैंने बोला था कि डोंट गिव योर ओपिनियन, ये अब इसके अंदर आ गया. 3 वर्ल्ड कप उसने ब्राजील के लिए जीते, बाकी बहुत ज्यादा उसने खेला. टोटल 1281 गोल्स किए हैं उसने. इन हिज करियर होगा, इन हिज करियर होगा. ही वॉन द वर्ल्ड कप. तो कितना वर्ल्ड कप? एक वर्ल्ड कप था. कितने थे? 3 टाइम्स. ही वॉन 3 वर्ल्ड कप्स फॉर हिज कंट्री एंड स्कोर 1281 गोल्स एज वेल इन हिज करियर. इन हिज करियर या फिर पूरी बात करनी पड़ेगी, ठीक है. ये भी बात शॉर्ट हो सकती है.
तो यानी आप बहुत ज्यादा तरीकों से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये वादी थ्री टाइम वर्ल्ड कप विनर एंड स्कोर 1281। क्या बात, बहुत जबरदस्त। ठीक है, या ही वॉज विनर्स टीम, वर्ल्ड कप विनर्स टीम फॉर थ्री टाइम्स। ही वॉज फ्रॉम वर्ल्ड कप विनर्स टीम फॉर थ्री टाइम्स। कितना अच्छा हो गया ना, क्योंकि ये लाइन अच्छी है, थोड़ी क्रिएटिव बन रही है। तो आप जितना ज्यादा ऐसे सोचेंगे, क्रिएटिव माइंड यूज करेंगे, आप उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दिस इज द मेन क्रक्स। आगे आते हैं, मैराडोना हु लेड एसएससी नेपोली एंड वास यूएफए कप व्हेन ही वॉन द 1986 वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना एंड प्लेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट 1990। देखें वही बातें यहां पे आ गई, पहले के बारे में था, मैराडोना के बारे में करें शॉर्ट करके दिखाएं। इतनी बातें लिखी है मैंने, जो किया था ना आपके सामने, मैराडोना कैप्टन एसएससी नेपोली एंड वॉन यू। तो मैं कितना अच्छा हूं, इसकी जगह पर ये लिख लू, मैराडोना पार्टिसिपेटेड या मैराडोना वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस, इंटरनेशनल मैच इंक्लूडिंग 1986 वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना। बस कितनी बड़ी लाइन थी, जिसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल मैचेस उसने बहुत से खेले, नेशनल या मैराडोना पार्टिसिपेटेड इन मैनी नेशनल लीग्स एंड वॉन वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना इन 1986 एज वेल। समझ आ गई बात, तो कितनी बड़ी बात थी, जिसको मैंने क्या किया, छोटा कर दिया। यही सोचना है आपने, इसी क्रिएटिविटी को अपने पास लेकर आना। आगे बढ़ते हैं, ही न्यू एवरी फुटबॉल इन ट्रिक की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, ब्रिलियंट है, जीता है तो ट्रिक तो जानता ही होगा। मुझे इजाफी लग रही है, मैं ये बात नहीं लिखता। मैराडोना करियर एंडेड बाय टेकिंग इलीगल सब्सटेंसेस। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं कि अच्छा फिर आप ये एंड में कर सकते हैं, हिज करियर एंडेड बाय टेकिंग इलीगल सब्सटेंसेस, ऐसे लिखो his career, ठीक है, या he ended his career as taking illegal substances। अच्छा अब ये मैंने अभी आपके सामने किया, लेकिन जब मैं लिख रहा था 100 वर्ड्स में, तब मैं कुछ और ही माइंड में रख के बैठा हुआ था, यानी उस वक्त मेरी सोच कुछ और होगी, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला बैठा था, ज्यादा मैं जो है वो सोचने की सलाहियत रख सकता था, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ चीजों को कर सकता था। हो सकता है मैंने कुछ चीजें इसमें ऐड की हूं, कुछ चीजें निकाली हूं, जो अभी मैंने आपको कहा मैंने वैसे ना किया हो, किसी और तरीके से किया हो। कैसे किया, 100 वर्ड्स में इट इज रियली परफेक्ट। तो आइए चेक करते हैं इसको और इसको पढ़ लेते हैं जनाब। पहले एंड मैराडोना प्लेयर्स ऑफ 20th सेंचुरी बाय फीफा, दे वोर नंबर एंड शर्ट सिमिलर टू इट्स। अगली बात, पेले अ प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स फॉर फन एंड बिकेम मिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज अ क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन। मैराडोना टेक्निकली ब्रिलियंट, अनप्रेडिक्टेबल एंड इंपल्सिव, प्लेग्ड बाय प्रॉब्लम्स फॉर मेनी इयर्स। कंपेयरिंग पेले एंड मैराडोना इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड पियर्स। देयर नेशन हैव बीन राइवल्स फॉर द बिगिनिंग। पेले स्पेंट मोर देन हाफ हिज लाइफ एट सेंटोस एफसी। ही वॉन द वर्ल्ड कप थ्री टाइम्स, स्कोर्ड 1281 गोल्स। मैराडोना लेड एसएससी नेपोली, वॉन द 1986 वर्ल्ड कप। His career ended by taking illegal substances. 100 words complete. कोई ऐसी बात जो मैंने ना लिखी हो, कोई ऐसी बात, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया हो, देखा आपने पीछे ना भी, क्या कोई ऐसा है जो मैंने छोड़ा है, बताएं। This is what. तो आपने इस तरह करना, जरूरी नहीं है कि 100 words पूरे हो। अब 97, 98, 96 जितने भी होते हैं उन्हें देखें, उसमें देख लेगा कोई दो तीन वर्ड आपको पढ़ने को लगता है कि बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, लगता है पढ़ सकते हैं तो बढ़ा दें, वरना 95 से ऊपर जितने मार्क्स हैं मार्क्स आपको फिर मैक्सिमम मिलेंगे। क्लियर है? तो जनाब दिस इज द वे बाय विच यू कैन डू योर ड्रिल। अब आपके पास जो कल टेस्ट आने वाला है, उस टेस्ट के अंदर आपने क्या करना होगा कि आपके पास एक पैसेज है 10 MCQs, फिर उसी पैसेज की आपने पैसे भी बनानी है, और ये टोटल काम आपने करना है। 14 टेस्ट आपके पास होंगे टोटल, जिनमें से कोई एक टेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोई एक टेस्ट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 10 MCQs हैं, इसका मतलब है 10 MCQs हैं, तो वो कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स।
फिर आपने प्रेसी बनानी है, तो प्रेसी बनाने का मतलब क्या है, ये मार्क्स हैं 10 मार्क्स, ये 30 मार्क्स का कल आपका पेपर होगा, ठीक है, तो आप उसको अचीव अटेम्प्ट करना होगा, और उसके लिए मार्क्स सबसे आइडियल टाइम है 35 से 40 मिनट्स, 40 तो नहीं कोई बात, लेकिन अगर आपके मार्क्स आपका टाइम 50-55 मिनट से भी जाता है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो सोचें बहुत काम करने की जरूरत है, फिर आपने सोचना है कि बहुत काम करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टेस्ट तो पहले ही है और आपने देखा भी होगा और फिर भी आपको इतना टाइम लगा तो इसका मतलब है कुछ तो मतलब खराब है। क्या हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, मसला क्या है, इतना परेशान क्यों होते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका इमेज बन गई पीडीएफ, पीडीएफ की तो वो फिर भी ओपन करना पड़ेगा, इमेजेस तो सामने होंगी, सीरीज इसमें का मसला है, आप इस तरह कर सकते हो, जरा दिस इज द वे आप इसको करेंगे और कल आपका टेस्ट होगा, यही आपकी लास्ट टाइमिंग के अंदर, और आप इस टेस्ट को लास्ट में जो अटेम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, एनु खाना, हाँ ओके।